हैं सोनिया से संपर्क साधें तभी सफल होंगे नीतीश कुमार। अखिलेश से मिले बिहार के सीएम को राजभर का सुझाव। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सियासत में कौन सी लाइन कब लेंगे यह बता पाना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी चुनौती साबित होता है। गाजीपुर में पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नया सियासी समीकरण दिया है। राजभर के अनुसार नीतीश कुमार को अपने विपक्षी राजनीतिक दलों के लामबंदी में यूपी के संदर्भ में कुछ बातों को शामिल करना होगा। राजभर ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया है कि जब तक विपक्षी लामबंदी में मायावती और सोनिया गांधी को शामिल नहीं करेंगे तब तक नीतीश अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। पत्रकारों की ओर से पूछे गए एक सवाल में जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसमें तब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर लेते हैं। ऐसा राजभर ने यूपी के संबंध में कहा। राजभर ने अपनी बातों को स्थापित करने के क्रम में कहा कि एक दौर में जनता पार्टी ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर सियासी समीकरण बनाया जिसके प्रतिफल में कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई। ऐसे में राजनीतिक लामबंदी के लिए बेहद जरूरी है कि नीतीश कुमार मायावती और सोनिया गांधी से संपर्क साधें। हालांकि सुबह सपा की राजनीति पर नजदीक से निगाह रखने वाले लोगों की माने तो पिछले कुछ घटनाक्रमों के प्रकाश में यह बात कही जा सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि 2017 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ा था। वहीं 2022 में बीजेपी छोड़ वे अखिलेश यादव के साथ लामबंद होकर यूपी की विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे थे।